In the name of Jesus. चल कौन है बोल, कौन है, क्या नाम है तेरा? केड़ा पूत है, केड़ा पूत है? दुष्ट आत्मा। अब लोग कहते हैं कि कोई भूत नहीं होता, कोई दुष्ट आत्मा नहीं होता। लोग कहते हैं कि ये जो क्रिश्चियन है, ईसाई है, ये सब पखंड करते हैं। अब इससे पूछो, जिसकी इतने सालों से ये हालत खराब थी, हालेलुया। ऑपरेटर जी, जो सिस्टर का नाम बलविंदर कौर है और जो बेरकी के रहने वाले हैं, और जो सिस्टर की गवाही जे जे बता रही कि इनकी मैरिज को 8 साल हो गए हैं, और जे बता रही कि जब इनकी मैरिज को 1 साल हो गया था और उस समय इनको दबाव पड़ने शुरू हो गए और बुरे सपने आने भी शुरू हो गए, और जब भी इनको बुरे सपने आते थे तो सपनों में इनके साथ नेगेटिव पावर, दुष्ट आत्मा गलत रिलेशन बनाता था, और जिसके कारण जे बहुत ही परेशान हो गए थे, और इसी कारण जे बता रहे कि इनके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो जाती थी। इनके हस्बैंड के साथ भी छोटी छोटी बात पर ही इनके साथ क्लेश हो जाता था, जिसके कारण जे काफ़ी परेशान थे और इनके घर में कोई शांति नहीं थी। और जे सिस्टर बता रहे कि जब इनकी मैरिज को 4 साल हो गए थे तो जे बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। 2 बार 4 साल जब इनकी मैरिज को है तो 2 बार इनका मिसकैरेज हो गया, और उसके बाद जो बता रहे कि इन्होंने सियाने तांत्रिक बाबों के पास भी गए और जो सही तरह से अभी जो अपनी धार्मिकता भी कर रहे थे, पर इनका मन नहीं लग रहा था। और जैसे जो बाबों के पास गए और जो बता रहे कि फिर इनके घर में एक परमेश्वर, इनके घर में एक बेटी हुई, और जो बता रहे कि उसके बाद जो बता रहे कि जो घर में शांति नहीं थी, और जा तो रहे थे जो बाबों के पास भी, पर जो क्लेश था वो बस ऐसे ही बना था, कोई शांति नहीं थी। जो बुरे सपने आते थे वो भी इनको बहुत ज़्यादा था, दबाव भी बहुत ज़्यादा पड़ते थे, जिसके कारण जो बहन बहुत ही परेशान हो चुकी थी। और जो बता रहे कि जैसे इनको किसी ने परमेश्वर की गुड न्यूज़ दी, और जब इन्होंने फर्स्ट मीटिंग को इन्होंने बताया 6 अक्टूबर को रात के टाइम अपने घर में सुना था, और जो बता रहे कि जैसे उस दिन इन्होंने रात के टाइम मीटिंग को सुना, और बता रहे कि जब प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि प्रभु के दास के मुख से वर्ड आया कि जो लोग ऑनलाइन मीटिंग में वो स्क्रीन पर टच करे, पर जो ऑनलाइन नहीं देख रहे थे, जो इन्होंने रात के समय मीटिंग को देखा, उस समय इन्होंने इस वर्ड को सुना और उसी समय इन्होंने स्क्रीन को टच किया, और जो बता रहे कि प्रभु की जो ग्रेस, जो सामर्थ इनको टच किया, और उसी समय जो नेगेटिव पावर थी, दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया, और जो बता रहे कि उसके बाद इनको पता चला कि इन पर किसी दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, और जो जानते तो नहीं थे। फिर इन्होंने बताया कि और भी इन्होंने सेकंड डे फिर इन्होंने मीटिंग को सुना, और जब जो फर्स्ट टाइम ये होशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में 9 अक्टूबर की मीटिंग में आए थे, और जो बता रहे कि जो प्रभु के बारे कुछ नहीं जानते थे, जैसे इनको टीच किया गया परमेश्वर पर कैसे विश्वास करना है, प्रभु कैसे हमारे जीवन में काम कर सकते हैं, इनको और भी बताया गया, और जो बता रहे इनको बहुत ही अच्छा लगा, जो इनके घर में शांति नहीं थी, जो बता रहे कि उस दिन जब जो मीटिंग में आई, इनको बहुत ज़्यादा परमेश्वर की वो शांति फील हुई। और जैसे ही उसके बाद इन्होंने सेकंड मीटिंग 16 अक्टूबर को अटेंड की, और जो बता रहे कि जब प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसी टाइम इन पर दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया। और पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। जितनी भी दुष्ट आत्माएं सुनो, यीशु के नाम से आज आपका लास्ट दिन है, आज आप सबका लास्ट दिन है, तेरा लास्ट दिन है। आज चुप चुप चल कौन है बोल, कौन है, क्या नाम है तेरा? पूत। केड़ा पूत है, केड़ा पूत है? दुष्ट आत्मा। कौन सी दुष्ट आत्मा, क्या नाम है तेरा? इसके बाजू पकड़ बस। मैं बलविंदर हाँ? मैं बलविंदर कोई बलविंदर नहीं है, मैं
तू बलविंदर है, तेरा तेरा नाम क्या है शैतान? पता नहीं, एदा ना बलविंदर है। चल चल, क्यों पकड़ा तूने उसे? मैं इन्हें मार देना। हाँ, इन्हें बंदे ने मार देना, इन्हें भी मार देना। क्यों मार देना तूने? मैं इतना ब्याह ही है। अच्छा, इधर देख, इधर देख, इधर देख, तेरे सामने कौन है? मुझे जानता है, आज तेरा लास्ट दिन है, आज तेरा लास्ट दिन है। चल आज तू, आज इसके, आज यहाँ से तू निकलेगा, जहाँ तेरी जगह तू वहां पे जाएगा। चल चल, आज जहाँ पे तेरी जगह है शैतान, चल इधर देख, इधर देख, देख इधर, देख इधर, देख मेरी तरफ, देख। चल इन द नेम ऑफ जीसस, चल इसके पेट से, इसके अंगों से, इसके शरीर से उखड़, पूरी तरह से उखड़ यीशु के नाम से। चल चल, तेरी शक्ति को मैं शैतान तेरा अंत करता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस तेरा अंत करता हूं, तेरा अंत करता हूं आज। चल इसके पेट से, इसके अंगों से, इसके शरीर से उखड़, चढ़ से, चढ़ से, इन द नेम ऑफ जीसस। चल आज तेरा लास्ट दिन है, चल शैतान आज तेरा लास्ट दिन है, उखड़ 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 यीशु के नाम से मैं आज्ञा करता हूं, इसके अंगों से, इसके पेट से, इसके जिस्म से, इसके शरीर से शैतान, चल चल आउट इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, उखड़ चल पूरी तरह से, इन द नेम ऑफ जीसस। चल खुदा की सामर्थ को मैं रिलीज करता हूं तेरे ऊपर शैतान, उखड़ पूरी तरह से, निकल इसके अंगों से, इसके शरीर से, चल चल चल, आज तेरा लास्ट दिन, इन द नेम ऑफ जीसस, 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 यस खुदावंद जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यस खुदावंद, तेरी सामर्थ को मैं रिलीज करता हूं, शैतान का अंत करता हूं हमेशा के लिए, हमेशा के लिए इसकी बॉडी से में इस शैतान का अंत करता हूं हमेशा के लिए, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदाबंद तेरी सामर्थी नाम से इसे डिस्कनेक्ट करता हूं, कैंसल करता हूं, फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री 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 फ्री। और जैसे इनके लिए लैंड हुई और जो दुष्ट आत्मा था, जैसे इनके जीवन से प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए प्रेयर हुई, और उस दिन से बाद जैसे इन्होंने फिर पर्सनल मीटिंग को अटेंड किया और भी प्रभु के दास इनको टीच किया परमेश्वर के राज्य के बारे में, और भी बताया कैसे परमेश्वर में हमें वो मेहनत करनी, जैसे बाइबल में भी लिखा कि जो हम मेहनत करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं है। तो जैसे जैसे लगातार हर एक मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, और इन्होंने नाइट प्रेयर की 2 मीटिंग भी अटेंड की, और जो बता रहे कि जैसे जे लगातार मीटिंग अटेंड करते रहे और लगातार धन्यवाद में बने रहे, प्रार्थना करते रहे, और आज सिस्टर बता रही कि 1 महीने से प्लस टाइम हो गया इनको संगति में आते हुए, अभी कोई भी ऐसा दुष्ट आत्मा नेगेटिव पावर का कोई प्रभाव नहीं है। और जो 8 साल से दुष्ट आत्मा ने इनके जीवन में, इनके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स दी थी, इनको इनके घर में शांति नहीं थी, इनके हस्बैंड में छोटी छोटी बात में क्लेश हो जाती थी, और जिसके कारण जो इनको बुरे सपने आते थे, और आज ये बहन बता रही कि परमेश्वर ने आज पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से आज इनको आजाद कर दिया है, और आज ये पूरी तरह से इससे टोटली फ्री हो चुके। हम सब जोर से कलीसिया इससे बड़ी गवाही के लिए तारीफ करेंगे। धन्यवाद करांगा मैं, मेरे यीशु ने छुड़ाया है, धन्यवाद करांगा मैं, मेरे यीशु ने छुड़ाया है। सुनो सुनो, अब लोग कहते हैं कि कोई भूत नहीं होता, कोई दुष्ट आत्मा नहीं होता,
लोग कहते हैं कि ये जो क्रिश्चियन है, ईसाई है, ये सब पखंड करते हैं। अब इससे पूछो, जिसकी इतने सालों से ये हालत खराब थी, थोड़ा माइक दो इन्हें, कितने साल से ये प्रॉब्लम थी आपको? सर 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। क्या करता था दुष्ट आत्मा के साथ? दबा होता सी और रॉन्ग रिलेशन बनाता था। रॉन्ग रिलेशन बनाता है। उसके कारण आपके पेट में क्या होता था? जैसे ना दबदबा जो होता था। असद दबा मतलब, और रिलेशन बनाता था, और उसी के कारण इनके घर में कलेश थी। आपने अभी सुना ना सब कुछ, कितना ये परेशान से सालों से। बोलो क्या है? किसी का मन करता है, इसके लिए इन्होंने जो कुछ ये पहले करते थे वो कर रहे थे, और उसके अलावा भी ये अलग अलग तांत्रिक बाबूंग जी के पास भी गए, पर फिर भी छुटकारा नहीं मिला। बोलो क्या है? छुटकारा नहीं मिला। तो कोई छुटकारा किसके नाम से? इसलिए बाइबल में लिखा, आकाश के नीचे और पूरी पृथ्वी के मनुष्यों में परमेश्वर ने कोई दूसरा नाम नहीं दिया जिससे तुम उद्धार पा सकते हो, जिससे तुम बचाए जा सकते हो। वो एक ही नाम है, उसी के नाम से इन्हें ये छुटकारा मिला है। क्या मिला है? छुटकारा मिला, और ये आज खुश है। पर मैंने इनकी एक चीज मैंने देखी है कि अभी सिर्फ इन्हों एक महीना हुआ, सिर्फ प्रभु में आए हुए सिर्फ एक महीना हुए, वो चीजें जो कुछ लोग सालों में प्रभु में, वो चीजें नहीं कर पाई जो चीजें इसने एक महीने में कर ली। हर संडे वीरवार इसने लगातार मीटिंग को अटेंड किया। पिछले दिनों जो नाइट प्रेयर रखी थी तो उसमें भी ये आई। पहली नाइट, जब पहली बार इसने नाइट प्रेयर अटेंड की, उस प्रेयर में इसे प्रॉब्लम थी। क्या थी? पर जैसे हमने और खुदावंत का सत्य वचन समझाया और इसने समझा, बोलो क्या है, इसने और सीखा और समझा, क्योंकि परमेश्वर हमारे सब पापों को और दुखों को क्रूस पर ले गए। जब इन्होंने इस बात को समझा और सीखा, और हमने समझाया कि आपसे धन्यवाद करना ये नहीं है, क्या करनी है, पाप क्षमा हो गए, ये पूरी तरह से फ्री है। और देखो, जब सेकंड बार इन्होंने नाइट प्रेयर में आए और पवित्र आत्मा को भी ग्रहण कर लिया, जे इतने शब्दों से पहली बार, उस दिन जब इन्होंने पवित्र आत्मा पाया, इतने शब्दों से इन्होंने उस आत्मा की सामर्थ को प्रकट किया, बोलकर अपने मुंह से गैर भाषा में। समझ आ रही? अभी सिर्फ एक महीना हुआ, एक महीने में इन्होंने बाइबल को भी पढ़ना सीख लिया। हाँ, कैसे बाइबल, कौन सी बुक कहाँ पर है, क्योंकि देखो ये ध्यान देने वाली बात है। बोलो क्या है? ये मन लगाने वाली बात है। कुछ लोग ना ध्यान देते ना मन लगाते हैं। बोलो क्या है? क्योंकि परमेश्वर ये नहीं है कि काम नहीं करता, वो आपसे प्यार नहीं करता, वो करता है, वो नहीं चाहता कि कोई बंदा परेशान रहे। हाँ, पर जो चीज इसने की है, अगर हर बंदा वो करने लगे, इसने बहुत मेहनत की, लगातार सीखा समझा। हाँ, और अगर ऐसा किया है तो आज कोई क्लेश नहीं घर में, को जो शांति नहीं थी इसने इतने सालों से, कितनी प्रॉब्लम थी, आज सब चीजों से क्या कर दिया, आजाद कर दिया। क्या कर दिया? आजाद कर दिया। आजाद क्यों कर दिया? क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि बस आगे और बैठे, उन चीजों को सीखना शुरू किया, उन पर मन लगाना शुरू किया। कई लोगों को आदत नहीं होती, इसलिए उनकी जो चंगियाई का विषय वो लंबा चला जाता है। क्या चला जाता है? क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं देते कि जो चीज मेरे लिए खुदावंद ने कर दी है, मैंने उस पर ध्यान देना, और उस चीज के लिए मैंने विश्वास करना, और किसके नाम को मैंने धन्यवाद देना है। तो कुछ लोग जब पता नहीं होता तो फिर उनकी जो चंगियाई का विषय वो लंबा जाता है, लंबा। कई बार तो कईयों के जीवन में होता भी नहीं है, तो वो फिर हार जाते हैं और प्रभु को छोड़ भी देते हैं। बोलो क्या देते हैं? होता है ऐसे, पर इनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इन्होंने लगातार मेहनत की। अगर किया तो ये आज आपके सामने, ये टोटली पूरी तरह
उस दुष्ट आत्मा से, हर परेशानी से, हर चीज से फ्री है, पूरी तरह फ्री है, पूरी तरह से। आमीन। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। बड़े बड़े